सीडी इतनी बड़ी म्यूजिक कितना ऑडियो गया। वेलकम शालीन भनोट। उसका नाम आर्यन है जो एक थोड़ा कैसिनोवा टाइप का इंसान है और जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है और जो ही ओन्स द पब। सो आपने जो गाने में पब देखा है, लाउंज देखा है, वो मेरा है और वो पार्टी मैंने थ्रो करी है अपेरेंटली इन द मूवी। सो ही ओन्स अ पब, ही ओन्स अ लाउंज वेयर ही इज़ अ वेरी पार्टी गोइंग फन लविंग गाय जो लाइफ को सीरियसली लेता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट ही डजंट टेक लाइफ टू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ लव। सो ही ऑलवेज फील्स दैट ठीक है, आज पूजा कल को दूजा टाइप। तो कितना मुश्किल है? बेसिकली मेरी सेकंड पिक्चर है लव के फंडे। आई एम डन वन मूवी पंजाबी मुंडे कमाल दे, जो कि बहुत अच्छी गई थी और भगवान ने चाहा तो ये बहुत 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 उससे भी ज़्यादा अच्छी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारी मेहनत करी है और एक्सपीरियंस वाइज सब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस मूवी के लिए। हमने इतनी मेहनत करी है तब जाके ये मूवी सक्सेसफुल हो पाई है। एंड ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमारी यूथ है, हमारी यूथ क्या करती है, कैसे लड़के फंसाना है, कैसे लड़कियों को पटाना है, तो इसी चक्कर में पूरा यूथ घूम रहा है। और हमारी मूवी में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि लव के फंडे एक्चुअली कैसे होते हैं और उसको सही टाइम पे सही बंदे के साथ कैसे यूज़ करना चाहिए। बेसिकली बहुत मेहनत की है, थिएटर बैकग्राउंड के होने की वजह से मेथड एक्टिंग का थोड़ा सा सहारा लिया है और बाकी डायरेक्टर्स हमारे बहुत ही टैलेंटेड हैं, उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया और हर एक चीज़ को किस तरह से बेहतर करना उनके डायरेक्शन पर भी मैंने सीखा। फिल्म में मेरा एक ऐसा रोल है जो हर लड़का चाहता है, पर वो जब चाहता है तब तो उसे अच्छा लगता है, बट जब वो रोल करने लगता है तो उसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अच्छा तो दिखता है पर होता नहीं है। आपकी नज़र में लव के फंडे क्या मायने? मेरी नज़र में लव के फंडे के एक ही मायने है कि भाई तुम जिसके साथ हो उसके साथ रहो, दूसरे की सबको अच्छी लगती है, अपनी किसी को अच्छी नहीं लगती। देखो मेरा जो रोल है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई रियल लाइफ, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों अलग है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर किया है। एंड जैसे कि आप मुझे कैमरे पे देखोगे, मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। सो मेरे लिए एग्जैक्टली यू कैन सी दैट भारती नारी। इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ लव। प्यार क्या है आज की यूथ के लिए, प्यार को किस नज़रिए से आज का यूथ देखता है, ये एक परसेप्शन है आज के यूथ का कि लव का पैरामीटर है वो क्रेडिट कार्ड और पॉकेट के वजन पे देखते हैं। तो
वैसे ही कुछ प्रैक्टिकल से एक फिल्म है, वैसी एक रियल लाइफ स्टोरी है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, फन है, धमाल म्यूजिक है। ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी दोनों कैरेक्टर मेल फीमेल। या देखो हम देखो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक सिक्के के पहलू की एक बात करें तो दूसरा सिक्के का जो पहलू है वो छूट जाता है और जस्टिफाई नहीं हो पाती चीज़ें। हमने सिक्के के दोनों पहलू दिखाए हैं और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम इसको पूरा जस्टिफाई करें। थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो ज़्यादा इससे पहले मतलब मैंने काम कर रहा हूँ नॉर्मली, मेरे और दो तीन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी करंटली पाइपलाइन पे। तो ये जब मुझे जब ये मूवी करने बोली तो उसमें मेरा एक सॉन्ग है फिलहाल अभी लव के फंडे का, अमूल मस्का उस गाने का नाम है, उसको गाया खुशी ठाकुर ने, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने और ये मेरा पहला आइटम सॉन्ग है। सर मैं बयां नहीं कर सकता इसको लफ्ज़ों में कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है, तो हर कोई एक्साइटेड होता है। मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को पाने के लिए और इस फिल्म में अच्छा देखने के लिए आने के लिए। आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। अच्छा दूसरी फीमेल कास्ट से मैंने जानने की कोशिश की, यू आर कंसीडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट थ्रॉब इन द फिल्म, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने दूसरी फीमेल कास्ट से पूछा है तो ये तो सही कहा होगा उन्होंने कि आई एम कंसीडर एज हार्ट थ्रोब ऑफ द फिल्म। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि किसी को मुझसे हर्ट ना हो, बस शायद यही बात उन्हें अच्छी लगती है मेरी। एक्टिंग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है क्योंकि ये फिल्म जो है ना ऐसा नहीं कि हमारी दुनिया से हट के आ रही है, ऐसा नहीं है, कहानियाँ वही होती है, बेसिक यूथ की फिल्म है, यंग जनरेशन की, और रोमांटिक कॉमेडी है इंटायर, बहुत कॉमेडी है फिल्म, लोगों को पसंद आएगी और इसका म्यूज़िक सुपर हिट है। सच तो ये है इंडस्ट्री में कितनी कहानियाँ आपको भी पता है कि हम बोलते लोग सर हम एक फिल्म बना रहे हैं बहुत हटके है और वो इतनी हटके होती है कि मार्केट से हट जाती, ऐसा कुछ नहीं है, वही कहानियाँ जो सारी आ रही हैं बस चीप नहीं है, थोड़ा बोल्ड कहानी है और रोमांटिक कॉमेडी है पूरी। बेसिकली जैसा कि टाइटल है फिल्म का लव के फंडे, तो उसी टाइप का पूरा ओवरऑल इसका कलर है इस फिल्म में म्यूज़िक का, जिसमें आपको आइटम सॉन्ग भी है और उसके बाद में रोमांटिक गाने हैं। और मेरे को सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही ना कि मैं इस फिल्म के ज़रिए बहुत बड़े बड़े जो लीजेंड्स हैं जैसे फैज़ भाई, फैज़ अनवर जी, उनके साथ मतलब सुखी जी, सुखविंदर सिंह जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी शक्ल से भी पता चल रहा होगा। हम पूरी टीम बहुत एक्साइटेड हैं, टीवी से लेकर यहाँ मूवी की जर्नी तक एक स्ट्रगल रहा है, एक ड्रीम रहा है जो अब पूरा हो रहा है। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है जस्सी, जो मनन की वाइफ है, मनन इज प्लेइंग, रिशांक इज प्लेइंग मनन्स रोल। सो शी इज़ अ कॉर्पोरेट गर्ल, शी इज़ अ सोफेस्टिकेटेड, एक कंपनी में काम करती है और वाइफ है। सो उसके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक अपना घर संभालना है और दूसरा उसको अपने जिस कंपनी में काम करती है वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। लव के फंडे के बाद आप कब और किस पर्दे पर देखेंगे? अभी तो आप लोग मुझे बहुत जल्दी एक टीवी शो पे देखेंगे, वो सब टीवी का है, गुपचुप इट्स अ न्यू शो। जुलाई में हमारी शूटिंग शुरू हो गई है, जुलाई में ऑन एयर चला जाएगा। और देर आर कपल ऑफ वेरी गुड मूवी प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में अभी बोलना थोड़ा जल्दी है, एक बारी सब शूटिंग स्टार्ट हो जाए या एटलीस्ट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाए तो तब बताया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगे। बट देर आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स विच इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।